नमस्कार दोस्तों, इवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज का सवाल था कि आदिवासी बॉय जो यूट्यूब चैनल है, सर 6000 वाट बेस कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो उसके लिए चलिए जल्दी से चलते हैं, कौन सा एम्पलीफायर 6000 वाट का लोड ले सकता है। तो ऐसी एक बहुत ही अच्छी कॉम्पैक्ट आज मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसी एम्पलीफायर, ज़्यादा पैसा भी नहीं है लेकिन अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी कंपनी की है। तो चलिए जल्दी से, और बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है, तो चलिए उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसकी लिंक भी मैं नीचे दे दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसको जाके वहाँ देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। चलिए जल्दी शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो यही है वो बहिंजर का NU6000 iNuke, बहुत ही अल्ट्रा लाइट वेट है, ओनली 5.5 kg। आप सोच सकते हैं कि पावर एम्पलीफायर 6000 वाट हाई डेंसिटी, ओनली 5.5 kg है ये। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, क्या है ये बहिंजर का NU6000 iNuke अल्ट्रा लाइट वेट हाई डेंसिटी पावर एम्पलीफायर। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। पहली बात देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पावर का बटन है ऑन ऑफ, यहाँ पे आप दबा के कर सकते हैं। iNuke NU6000 का लोगो है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए चैनल बी का वॉल्यूम बटन है, मास्टर वॉल्यूम, और हाई डेंसिटी वाट पावर एम्पलीफायर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे चैनल ए का मास्टर वॉल्यूम है, और यह है बहिंजर का लोगो एज यूजुअल। फ्रंट पैनल बहुत ही सिल्की, आप देख सकते हैं डिजाइन, ज़्यादा कुछ नहीं किया है लेकिन बहुत अच्छा इसको डिजाइन किया गया है कि बहुत लुकिंग इज ऑसम इसकी। और चलिए इसकी जो मेन जो चीज़ है, कैसे ये लोड लेगा, क्या लेगा, उसकी बैक पैनल में थोड़ा चलते हैं। और ये है इसकी बैक पैनल पूरी, आप देख सकते हैं दो फैन लगी हुई है, ये आपकी आउटपुट्स है, यहाँ इनकी इनपुट्स है, और ये पावर ऑन है। तो चलिए इसको थोड़ा क्लोजली हम लोग लुक करते हैं, पावर ऑन से इनपुट से पहले जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है iNuke मॉडल NU6000 मेड इन चाइना, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारे चीज़ आजकल चाइना में ही बनते हैं। और ये चैनल ए चैनल बी, इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें आप XLR एंड दूसरा जो है कि 1/4 इंच के आप लगा सकते हो TRS जो अडाप्टर, दो टू टाइप का ये आपकी जो इनपुट लेने के लिए यहाँ पे चैनल चैनल बी का के लिए है, जो कि आप मिक्सर से ला के यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट राइट डाल सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे इसकी क्रॉसओवर, इनबिल्ट क्रॉसओवर है इसमें, जिसमें आप लो फ्रिक्वेंसी अगर चला रहे हैं तो इस बटन, ये जो नॉब है इसको लो फ्रिक्वेंसी में करना है, अगर फुल रेंज स्पीकर चला रहे हैं तो बीच में रखना है, अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी चला रहे हैं तो ट्विटर चला रहे हैं, हॉर्न चला रहे हैं तो इसको साइड में। तो ये बिल्ट ऑन क्रॉसओवर है, तो बहुत क्रॉसओवर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लेके आए तो हो गया। आप इसमें स्टेडियो पे चला सकते हैं या मोनो पे, तो स्टेडियो पे कर सकते हैं या मोनो पे कर सकते हैं। तो आप इस सेक्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फैन है, अब चैनल ए बी दोनों के लिए यहाँ आउटपुट है, आउटपुट आप स्पीकर कनेक्टर से ही ले सकते हैं। और बाकी जो मेन चीज है कि ये कितनी लोड ले सकती है, वो है कि आप 4 ओम पे पर चैनल आप 3100 वाट की लोड दे सकते हैं, यानी आप 3000 से 3100 वाट तक लोड 4 ओम पे। इन जनरल हम ऐसे करते हैं, तो ए में 4 ओम का अगर हम बना लगाते हैं तो यहाँ पे 3000, यहाँ पे 3000, 6000 तक का लोड हम दे सकते हैं इसमें, यहाँ 3, यहाँ 3, अगर 4 ओम का लोड है। अगर 8 ओम का लोड है तो यहाँ पे 1600 चैनल ए पे, चैनल बी पे 1600, और यहाँ पे फैन है, और यहाँ पे तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का भी लगाया गया है, तो प्रोटेक्शन बहुत तगड़ा है और बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं ये आपको बहुत अच्छी फीचर्स है, क्रॉसओवर और सारे फीचर लेके ये ओनली आपको 38000 पड़ता है। इसका चैनल लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसको अमेजन से जाके खरीद सकते हैं या देख सकते हैं, या जहाँ पे सस्ता है वहीं से जाके खरीद सकते हैं। बजाओ में मैंने देखा था लेकिन वहाँ पे थोड़ा रेट है 40-44 हज़ार है, लेकिन अमेजन में थोड़ा सस्ता दिख रहा है, तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और भी रिसर्च कर सकते हैं कहाँ से इसको खरीदें, खरीदने के टाइम पे मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से खरीदें, और हमने इसको लिंक दे देता हूँ, और ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाता है कि कितना पैसा पड़ता है अमेजन इंडिया में। तो उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे वहाँ से खरीद सकते हैं या चाहे तो बाहर से कहीं भी इसको खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया है तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। और क्लास डी टेक्नोलॉजी इसका है, और 5.5 kg वेट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट मिक्सर है, आपके लिए तो बेस्ट है। 6000 वाट अगर आपके पास दो है, 4 ओम का, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 3000, पूरी ऐसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो, बहुत अच्छे फीचर्स है, क्रॉसओवर है, स्टीरियो मोड है, और